वाह यार ये तो काम करता है। ओए वाह वाह। हेलो हेलो। अड्डा सोने वर्गा मुंडा मामा तो कहने जा तेन सोने वर्गा मुंडा मिले तो थोड़ा लभन दे तो ना कर दे। एक पोज में आप कितनी देर तक स्टक रह सकते हैं? अराउंड अबाउट 30 मिनट्स। वो शेबाशी वाला पोज मारे ना वो जो ऐसे उंगली दिखा ये। हेलो हेलो बोल 5 रुपए दूं। हाय हाय। हम ना कितने लोगों से प्रैंक करते हैं देखते हैं कि डरता है कि कोई नहीं डरता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महरूनिसा। तो जी नाज़रीन, मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि यूरोप से ना एक गोल्डन कलर का स्टैचू आ गया है, ठीक है, लाहौर में आ गया। और मैं आज को देखने के लिए आ गई कि भाई ये है क्या चीज़ है। मुझे तो लगता है जितना सोना इतने लगे हुए हैं ना मैं अपना जेवर बना सकती हूँ। और दूसरी बात कि पाकिस्तान का कर्जा हम लोग उतार सकते हैं। मुझे ना कुछ इनके ना फंक्शंस भी पता है कि इनको मतलब इनके दबाओ ना बटन वगैरह को, ये मूवी करते हैं मेरे ख्याल से। ये बटन लगाओ, मैं दबा के देखती हूँ। वाह यार ये तो काम करता है। ओए वाह वाह। हेलो हेलो। बोलते हो जी? इंसान हूँ। ये क्या था? अभी शादी नहीं हुआ इसलिए बोलता हूँ। बोलते इंसान हूँ इंसान ही तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। अच्छा अच्छा, ये आप गोल्डन मैन है? जी जी। शादी का जेवर मैं सोचा था मैं यहीं से बनवा लूंगी, थोड़ा तार के ले जाऊंगी। मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ तो आप यहीं पे रह जाओ। अच्छा ये पकड़ लेती हूँ। मैंने पका पका देना और अपने कोल रखो फिर। अड्डा सोने वर्गा मुंडा मामा तो कहने जा तेन सोने वर्गा मुंडा मिले तो थोड़ा लभन दे तो ना कर दे। नहीं ना, वैसे ही मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, आपकी शादी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं हुई। आप ये साइकिल वगैरह इधर ही चलाते हैं? जी। ये सोने की है? कितना है, मतलब सोना लगा हुआ है इसके ऊपर? ये लगा है जी 24 कैरेट का लगा है, 50 किलो। 24 कैरेट का लगा है 50 किलो। पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये टाई खड़ी चाहिए आपकी? हवा बहुत तेज है चल रही है यहाँ पर, तो ये नीचे नहीं होती? करके देख लूँ मैं? नहीं हवा बहुत तेज है। बोके नहीं होती। ये क्या मतलब, ये कैसा है, अपने गेटअप खुद ही बनाया हुआ है? जी पूरा हवा का गेटअप है, साइकिल है, इस पे हवा आ रही है, उसका मतलब एक रिफ्लेक्शन दिया, उसका एक करेक्टर बनाया हुआ है। एक पोज में आप कितनी देर तक स्टक रह सकते हैं? अराउंड अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट तक एक पोज में रह लेते हैं? जी, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, आप जब काम पर होते तब भी मैं एक पोज में रह सकता हूँ, जब आप गर्मी में एक जगह पे बैठ नहीं सकते तब भी मैं एक पोज में रह सकता हूँ। चलें फिर मैं आपको चैलेंजेस देती हूँ, ठीक है? ठीक हो गया। वो शेबाशी वाला पोज मारे ना वो जो ऐसे उंगली दिखा ये। अब स्ट्रक हो जाना आपने। हेलो हेलो बोल 5 रुपए दूं प्लीज। हेलो हेल जो। ये नहीं टाल रहे। हाय ना। अच्छा मतलब आपके कौन कौन से डिफरेंट पॉजिस हैं? डिफरेंट तो कई हैं, व्हीलिंग भी कर लेता हूँ, खड़ा भी हो जाता हूँ। अच्छा, मतलब पैडल पे पाँव रख के जैसे खड़े होते हैं वो भी। अच्छा, मतलब डिफरेंट पॉजिस आप बना लेते हैं? जी सही हो गया। ये फूल आप हर किसी को दे देते हैं? हाँ कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कवारा हूँ। गोल्डन मैन भी कवारा, हम कवारे कहाँ जाएं? कोई ढूंढे फिर मिल जाएगी। मैं तो ढूंढता हूँ, अगली मानती नहीं है। या क्यों, उसे कहो मैं सोने का बना हुआ तो आ जाओ कोई ना। बस बेचारी नहीं मानती, मैं क्या करूं, उनकी किस्मत में अच्छा बंदा नहीं है कोई। अच्छा बंदा ऐसा, इसलिए आप उनकी किस्मत में नहीं आ रहे इसी तरह। अच्छा शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टाइल ही करके दिखा दे फिर मुझे। अच्छा मतलब क्या आपके पास रोज तो लड़कियाँ पिक्चर्स बनवाने के लिए आती होंगी, फिर किसी पर दिल नहीं आता आपका? लड़कियों का आता है, कई तो अपने नोट पे नंबर लिख के दे जाती हैं, लेकिन ऐसा होता है? कौन पागल है? बस बहुत सारी पागल होती हैं, हम खाली मर्द तो नहीं ना पागल होते, लड़कियां ज्यादा पागल होती हैं मेरे ख्याल में। कम अकल होती हैं। अब मैं नहीं कह रहा, ऑडियंस को बता दें, आप कह रही लड़की कह रही, लड़का कहे तो फिर मसला है। कितनी लड़कियों ने आज तक आपको प्रपोज कर दिया हुआ? मुझे अभी तक 2 साल में तकरीबन कोई 50-60 हो गई होंगी, कुछ टिकटॉकर हैं, कुछ हैं, तो काफी आती हैं मेरे पास। अच्छा मैं खुद बुद्धू बन गई थी, ये कोई सोना सोना नहीं लगा हुआ, कोई ख्वाब से जाके ना इधर आई, ये नकली सोना है ना भाई?
मेरी रियल पिक्चर देख ले, उनकी तरह आप भी प्रपोज कर देंगे। रियल पिक्चर देख लो, चलो देख ही लेंगे कभी अमन से। ये ना सही, ग्लासेस लगाने का क्या रीज़न है? सारा तो गोल्डन है, ये ब्लैक क्यों है? ये ब्लैक इसलिए कि आपकी आईज जब मूवमेंट कर रही होती हैं तो वो नजर ना आए, जो आपके पास आता है फिर उससे डराने के लिए, मतलब आपकी आईज कोई भी चीज़ आपके मूवमेंट की नज़र ना आए, ये चीज़ इसका मकसद है। कितना ईयर हो गया इस गेटअप को आप लेकर चल रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे। मतलब और आपका फेवरेट जो स्टाइल है वो जरा मार के दिखाएं मुझे। वो मेरा आइकॉनिक स्टाइल है ये वाला, मतलब स्टील खड़े रहते हैं इसके अंदर। पेट नहीं बोल रहा यार, बेस दिखा रहे हैं। हेलो हेलो, पास कर दे। लोग डरते हैं मतलब ऐसे स्टाइल से वो अचानक कर देते हैं। लोगों की चीखें बजती हैं यहाँ पे। मुझे भी ना को फुल हंसी आ रही होती है। नहीं मुझे तो खैर हंसी नहीं आती, किले में भी फर्स्ट टाइम जाता हूँ ना तो वहाँ पे भी काफ़ी वो दीवाने खास है, वहाँ पे चीखें बजती हैं लोगों को जब मैं फूल करता हूँ। फूल देने का एक स्टाइल है मेरा। अच्छा, तो वो फैमिलीज अच्छा खुश होती हैं। अच्छा फिर हम किसी को डराते हैं? ठीक हो गया। हमने किसी लोगों से प्रैंक करते हैं, मतलब देखते हैं कि डरता है कि नहीं डरता। मैं ज़रा साइड पर हो रही हूँ तो वो इधर आओ। हेलो क्या हाल है, ठीक हो? और सुनाओ क्या नाम आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, अली रज़ा क्या करती हो? मैं इधर जॉब। थोड़ा आगे आ जाओ। और क्या करते हो? मैं जॉब इधर कुकिंग। इधर कुकिंग कुकिंग कर लेते हो? टैटू बनाता हूं। टैटू बनाते हो? मेरे भी बना दो। ठीक है। कितने का बनाते हो? 500 का। 500 का बनाते हो? ये स्टैचू खड़ा हुआ। हाँ ये स्टैचू है, प्यारा है ना? हाँ जी है ना, मुझे भी प्यारा लग प्यारा लग। ओए कहाँ चला गया, उधर तोड़ गया। गोल्डन मैन ये क्या कर रही हो यार? ये फिर मेरे साथ आप क्यों प्रैंक कर रहे हो? अब तुमने कर लिया। अच्छा एक दिन में लाखों कमा लेते हैं फिर? यार मैं उस तरफ आती हूँ, टाइम में तंग करिए। हाँ एक दिन में कितना कमा लेते हैं फिर आप? 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पाकिस्तान में बड़े से बड़ा आर्टिस्ट देख लें कितना कमा लेता, मैं तो अभी छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। अच्छा आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, मतलब कि आप कहाँ पर खड़े होते कि यहाँ पर भी मैं ज़्यादा अच्छा लगूँगा? फेवरेट प्लेस तो मेरी किले वाली है, गोल्डन किंग ऑफ लाहौर। यहाँ पे गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर है, पूरी स्ट्रीट में जहाँ पे मर्जी खड़ा होता हूँ। किले में मैं दीवाने खास में खड़ा होता हूँ और वो वाला रूप मेरा माशाल्लाह से फॉरनर वगैरह सारे देखने आते हैं पूरे पाकिस्तान में। वो फेमस हो गया है तो ये भी फेमस, लेकिन वो ज़्यादा है। बाहर का कल्चर है ना लिविंग स्टैचू आर्ट का, उसको और पाकिस्तानी जो मुगलिया तर्ज का जो लिबास है उनको मैंने मिक्स करके दोनों को स्टैचू आर्ट में कन्वर्ट किया है और वो बहुत ही आला बना है। अच्छा बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, मतलब हिम्मत है कि एक ही मतलब पोज में 30 मिनट खड़े रहते हैं, लास्ट में अपना सिग्नेचर स्टाइल मार दे फिर मैं अपनी एंडिंग देती हूँ। क्या बात है। इसी नाज़रीन ये था मेरा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपनी मेज़बान महरुन्निसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।